हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे। और आज मैं आपके लिए एक यूनिक सी ज्वेलरी लेके आई हूँ जो गोल्ड और सिल्वर से हटके। वैसे तो आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि मैं अपनी लाल ज्वेलरी आज आपसे शेयर करूँगी। चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपसे शेयर करती हूँ अपनी लाल ज्वेलरी। सबसे पहले पैकिंग की बात करूं तो ये थर्माकोल और रैपर के साथ इतनी शानदार पैकिंग आती है, मैंने एक्साइटमेंट में पहले ही खोल लिया। और इसको खोलना भी इतना मुश्किल हो जाता है, इतनी शानदार पैकिंग करके देते हैं। और इवन अंदर ही नहीं, बाहर भी, डब्बे के बाहर भी ये थर्माकोल से पैक किया हुआ आता है। तो आप कहीं पे भी इसको मंगवाओ, आपके पास ज्वेलरी बिल्कुल सेफ़ पहुँचती है। और जिस तरीके से ये पैक आई है, एज़ इट इज़ आप वैसे ही पैक करके रखोगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगी और ये मेल्ट भी नहीं होगी। और मैंने राजपूती ज्वेलरी बनवाई है, आप चाहो तो नॉन राजपूती ज्वेलरी भी बनवा सकते हो और कलर अपने अकॉर्डिंग इसमें कस्टमाइज़ करवा सकते हैं आप। मैंने रेड कलर की बनवाई है क्योंकि हर ड्रेस पे चल जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और जहाँ तक टूट फूट की बात है, वो तो जैसे लाख ज्वेलरी है यार, तो ऑब्वियसली हाथ से छूट जाएगी तो टूट ही जाएगी। बट लोगों से मैंने सुना था जब मैंने परचेज़ किया कि फ्रिज में रखनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं मेल्ट नहीं होती। ये इसके बाजू हैं, एज ए खांचे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके ऊपर नग का और कुंदन का वर्क है, इसकी ग्रेस कितनी शानदार है। ये इसकी पोंछियाँ हैं और इस पे जो कुंदन और नग का जो वर्क है उसकी फिनिशिंग बहुत ही शानदार है। ये इसका नेकलेस, आई लव इट यार, ये पूरा आपके नेक को पूरा फिल कर देता है और कुछ पहनने की आपको लोड ही नहीं पड़ेगी। और ये इसके इयररिंग्स हैं जो बहुत ही क्यूट बनाए हुए हैं और ये झुमकी पैटर्न में हैं। और साथ में ये जो है ये कनौतियाँ हैं इसकी, और ये इसकी बंगड़ियाँ हैं जो एज ए चूड़ियाँ भी आप यूज़ कर सकते हो और ये आपके चूड़ी की साइज़ पे ही बना के देंगे। और ये डेलिकेट सी इसकी नथ है और ये जो पर्ल वाली चेन है ये आपको इसके साथ ही मिलेगी। और ये इसके हथपूल हैं, मैंने इसको 5 उंगलियों के रिंग के साथ में कस्टमाइज़ कराए हैं। आपको अगर ना पसंद हो तो आप एक रिंग में भी इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। ये इसकी राखड़ी है जो इस तरीके से आपको पर्ल्स की साथ में पुआई के साथ ही मिलेगी। ये इसका शीशपुल है, शीशपुल का भी साइज अच्छा खासा है जिससे आपका पूरा सर कवर हो जाएगा। अगर आपका हथपूल पहनने का मन नहीं है तो इसके साथ एक सिंगल रिंग भी आती है, आप चाहो तो एक्स्ट्रा रिंग्स भी बनवा सकते हो। बट इसके साथ एक रिंग आती है जो कैजुअल वेयर के लिए आपकी अच्छी रहेगी। और इट्स नॉट ए बिंदी, इसको बेसर बोलते हैं, ये नोज़ पिन है। आपको अगर नथ पहनने का मन नहीं है तो ये पहन सकते हो। और ये सारी ज्वेलरी आपको पुआई के साथ में ही मिलेगी और वेडिंग सीजन ऑन है तो मैंने सोचा मैं इस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाती हूँ, शायद आपके लिए यूज़फुल हो। और इस ऑथेंटिक ज्वेलरी के लिए थम्स अप है एंड हाईली रिकमेंडेड है मेरे तरफ से। इसको आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, जिसकी फुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। सब्सक्राइब कीजिए और अपने लव वंस के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि मेरी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग।